30 साल की टीचर को हुआ अपने 14 साल के स्टूडेंट से प्यार, फिर कर डाला कुछ ऐसा कांड दुनिया देख कर रह गई दंग। पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, एक गांव पड़ता है कैंपियर गंज। यहां पर एक 14 साल का सुमित नाम का लड़का रहता है। सुमित अपने माता पिता के साथ बड़ा खुश रहता है। अचानक लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो पढ़ाई कैसे हो। पड़ोस में ही एक किरण नाम की लेडीज़ रहती है जिसकी उम्र 30 साल होती है, वो ट्यूशन पढ़ाती है। तो घर वाले सुमित के लिए किरण से बात करते हैं कि हमारे बच्चे को आप पढ़ा दिया करो, हमारा बच्चा अब घर रहता है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा। तो सुमित की पढ़ाई के लिए किरण राजी हो जाती है। किरण के घर सुमित जाने लगता है, डे बाई डे उनके घर पहुँचता है, डे बाई डे पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि किरण और सुमित एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, प्यार काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, दोनों को लगने लगता है कि अब हमारा प्यार, हमें आगे चल के एक साथ जीना है, एक साथ मरना है। यहाँ तक कि दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खाने लगते हैं, आगे जाकर घर से भागने की कोशिश करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि किरण अपने पति को बोलती है कि मेरे को बाज़ार में जाना है। घर से बहाना बनाकर बाजार के लिए किरण निकल जाती है। इधर से सुमित अपने घर से बहाना बनाकर सुमित भी निकल जाता है। तो दोस्तों, दोनों घर से फरार हो जाते हैं। किरण का पति शाम तक उसका इंतज़ार करता है कि उसकी पत्नी आएगी, लेकिन शाम तक पत्नी नहीं आए। पत्नी कैसे आए, पत्नी तो फरार हो चुकी है, पत्नी 14 साल के लड़के को लेकर फरार हो चुकी है। तो दोस्तों, मामला यहाँ पर देखने वाला है, एक 14 साल का लड़का और जो खुद किरण की उम्र है वो 30 साल है, यानी कि यहाँ पर संबंध एक माँ बेटे जैसा बनता है। क्योंकि किरण, अगर किरण के बच्चे टाइमली हो जाते तो किरण के बच्चा भी 14 साल का हो सकता था। तो दोस्तों, दोनों भाग जाते हैं। इधर किरण का पति रिपोर्ट दर्ज करा देता है, उधर सुमित के माँ बाप भी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोनों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस छानबीन अपनी शुरू कर देती है, लेकिन काफ़ी दिन गुजरते जाते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन गुजर जाते हैं। अचानक पुलिस घूमती रहती है तो एक पार्क में पुलिस पहुँचती है। तो पार्क में पुलिस की नज़र एक जोड़े पर पड़ती है। तो जोड़े को देखते ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। तो वहां पर देखने में जो मिलता है, किरण और सुमित दोनों आप बैठे हुए हैं पार्क में, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, पकड़ने के बाद पुलिस वाले किरण के पति को खबर करते हैं, उधर लड़के के माँ बाप को भी खबर की जाती है। तो दोस्तों, किरण से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया कि आप 14 साल के एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा काम क्यों किया आपने, जबकि आपकी शादी हो चुकी है, आपका पति आपके घर पर है। तो किरण का यही जवाब था कि मैं सुमित से प्यार करती हूं और अपना बचा कुचा जीवन सुमित के साथ ही बिताना चाहती हूं। इधर किरण के पति से भी पूछताछ की जाती है, क्या आपको इन दोनों के प्यार के बारे में पता था। तो वो मना करता है, लेकिन कहता है कि मेरे को थोड़ा सा शक जरूर हुआ था क्योंकि किरण मेरे से कुछ दूरियां बनाने लगी थी। किरण का जो पहले प्यार था वो प्यार मेरे प्रति नहीं था, हम दोनों में थोड़ी खींचतानी बनने लगी थी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह का ये प्यार है, एक 14 साल का मासूम बच्चा और एक 30 साल की युवा युवती, दोनों में प्यार होता है। दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो दोस्तों, जो सुमित होता है उसकी एज अंडर 18 होती है, तो उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। वहीं पर किरण को अरेस्ट करके उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह का यहाँ पे प्यार देखने को मिला। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
कि ये प्यार है या इसको आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा प्यार होना चाहिए? एक माँ की उम्र की लेडीज एक अपने बच्चे की उम्र के बच्चे से प्यार करती है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है APH न्यूज़ के नाम से, वहाँ पर आप जाकर हमें सर्च कर सकते हैं और हमारे ऐसे ही सच्ची जो घटनाएं होती हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित हम वीडियो लेकर आते हैं, वहाँ पर जाकर आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।